नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट एनिमल डाइवर्सिटी एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ द वर्टिब्रेट्स। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द स्कोलियोडॉन। शार्क हैव टू चैम्बर्ड हार्ट विद एन एट्रियम। शार्क का जो स्कोलियोडॉन का दो चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें एक एट्रियम है जिसको आप ओरिकल भी कह सकते हो और एक वेंट्रिकल। और हार्ट एक एस शेप्ड ट्यूब की तरह होता है जो हेड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज लोकेटेड एट वेंट्रली थोरेसिक पेरिकार्डियल कैविटी लाइंड बाई ए थिन पेरिकार्डियम। ब्लड इज पम्प्ड बाई द हार्ट थ्रू द एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। जो हार्ट के अंदर जो ब्लड जाएगा, ब्लड इज पम्प्ड बाई द हार्ट। हार्ट जो ब्लड पंप करेगा वो किसके थ्रू? वेंट्रल एओर्टा के थ्रू या एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज के थ्रू टू कैपिलरीज इन द गिल्स वेयर द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। द ब्लड देन फ्लो थ्रू एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज देन थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड देन बैक टू द हार्ट इन द वेन। कि जो हार्ट में क्या कह रहे हैं कि हार्ट से ब्लड पंप होगा। इसका हार्ट क्या है कि एक ओरिकल एक वेंट्रिकल है, टू चैम्बर हार्ट है, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर रहता है। तो हार्ट को क्या कहते हैं? डी ऑक्सीजनेटेड हार्ट भी बोलते हैं। तो इसमें जो हार्ट से ब्लड जाएगा गिल्स के को, वो जाएगा एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज से, वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा। यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो ब्लड एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी के थ्रू बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर जाएगा और वहाँ से फिर हार्ट के अंदर और हार्ट से फिर गिल के अंदर इस तरह सर्कुलेट करता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस हार्ट ऑफ द सार्क। द सार्क हार्ट इज टू चैम्बर्ड हार्ट हैविंग सिंगल एट्रियम और सिंगल वेंट्रिकल। द हार्ट ऑफ शार्क कंटेन फोर इंपॉर्टेंट पार्ट, एट्रियम, वेंट्रिकल, साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस। ये चार चीज़ें होती हैं। तो साइनस विनोसिस क्या है? एक छोटा सा सैक है, थिन वॉल, विच कलेक्ट द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फिश वेन। तो जो फिश की वेन्स हैं उनसे जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले किस में आएगा? साइनस विनोसिस में। आफ्टर विच द ब्लड फ्लो इनटू द एट्रियम। साइनस विनोसिस से जाएगा एट्रियम में। ये लार्ज मस्कुलर चैम्बर है। एट्रियम इज ए वन वे कंपार्टमेंट फॉर ब्लड टू फ्लो इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है। फिर द बल्बस आर्टेरियोसस इज ए लार्ज ट्यूब विच द ब्लड इज पम्प फ्रॉम द वेंट्रिकल। द कोनस आर्टेरियोसस देन लीड द ब्लड टू द वेंट्रल एओर्टा विच ब्लड फ्लो टू द शार्क गिल। ठीक है। ये भाई साइनस विनोसस से किस में गया? बताइए, साइनस विनोसस से ब्लड किस में गया? इनटू द एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से आपका कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू बॉडी के अंदर या गिल्स के अंदर ब्लड फ्लो। फिर है एओर्टिक आर्चेस। द एंटीरियर एंड ऑफ कोनस आर्टेरियोसस कंटिन्यू फॉरवर्ड एज ए वेंट्रल एओर्टा। जो कोनस आर्टेरियोसस का जो एंटीरियर पार्ट है वही आगे जा कर के नैरो होकर के वेंट्रल एओर्टा बन जाता है। इट गिव ऑफ फाइव पेयर ऑफ एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द गिल्स। फाइव एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज यहाँ से निकलती हैं जो गिल्स के हार्ट से गिल्स को ब्लड दे जाता है। ईच आर्टीरियल कलेक्टर लूप इज फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ ए प्री ट्रीमेटिक आर्टरी फ्रॉम द एंटीरियर साइड ऑफ ए गिल स्लिट विद ए पोस्ट ट्रीमेटिक आर्टरी फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड ऑफ द गिल्स। द प्री एंड पोस्ट ट्रीमेटिक आर्टरीज रिसीव टाइनी ब्रांचेज फ्रॉम द एडजेसेंट गिल लेमिली एंड बोथ ज्वाइंट टूगेदर टू गिव राइज टू इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। ठीक है। तो फोर पेयर ऑफ इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स। ठीक है। वहाँ पर एफरेंट थी, यहाँ पर क्या है? इफरेंट है। कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द गिल्स। फोर पेयर ऑफ इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी ज्वाइन एट द मिड डोर्सल लाइन टू फॉर्म ए लार्ज डोर्सल एओर्टा बनाते हैं। ठीक है। ये होगी एओर्टिक आर्च। इसके बाद आर्टेरियल सिस्टम।
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई ब्रेन, डोर्सल एरेटा सप्लाई एंटायर ट्रंक, हाइडियन आर्टरी सप्लाई कैरोटिड आर्टरीज और फारेंजो ओसोफेजियल आर्टरी सप्लाई इसोफेगस एंड द फारिंग्स, सबक्लेमियन आर्टरी सप्लाई पेक्टोरल फिन, कोएलिक आर्टरी सप्लाई गोनेड एंड एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक, गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई टू द स्टोमक, हिपेटिक आर्टरी सप्लाई टू द लीवर, ओवेरियन आर्टरी या टेस्टिकुलर आर्टरी सप्लाई गोनेड्स, पेनक्रियाटी मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, एंटीरियर इंटेस्टाइनल आर्टरी सप्लाई इंटेस्टाइन, एंटीरियर मेजेंट्री आर्टरी सप्लाई इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो स्प्लेनिक आर्टरी सप्लाई स्प्लीन, स्टोमक एंड पेनक्रियाज, इलियक आर्टरी सप्लाई द पेल्विक फिन्स। ठीक है, तो ये आर्टरीज हैं जो पूरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक, फिर है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। फिर है वीनस सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन द एंटायर न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हिपेटिक पोर्टल वेन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पूरा ब्लड, जिसके अंदर पूरे न्यूट्रिएंट्स लीवर को ले जाता है, विच ब्रेक इनटू द कैपिलरीज। गैस्ट्रिक वेन ड्रेन स्टोमक, पेनक्रियाटिक मेजेंट्रिक वेन ड्रेन इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पेनक्रियाज, एंटीरियर इंटेस्टाइन वेन ड्रेन इंटेस्टाइन, एंटीरियर लीनोगैस्ट्रिक वेन ड्रेन स्प्लीन एंड स्टोमक, और लीनोमेजेंट्रिक वेन ड्रेन पेनक्रियाज, पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल वेन ड्रेन इंटेस्टाइन और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन ड्रेन किडनी, पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस वेन द एंटायर ट्रंक। ठीक है, दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फेस। ठीक है, स्कोलियोडोम। तो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच।